नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोना 24 एम ए मैं राहुल सिंघानिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों की जो है बिहार से एक बहुत ही जो है शानदार वैकेंसी के सामने आ रही है फ्रेंड्स, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दोस्तों की जो है बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म जो है निकल चुका है फ्रेंड्स, और इसमें जो है क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जो है बिहार पॉलिटेक्निक में दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरी पर जो है वैकेंसी होती है फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो है बिहार पॉलिटेक्निक में जो है कई प्रकार की जो है पदों पे जो है वैकेंसी होती है, जो कि इसमें जो है जैसे कि मान लिया जाए कि जो स्टूडेंट्स की जो है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम आपको जो है क्लियर करूँगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो बताना चाहूँगा कि बिहार पॉलिटेक्निक में दोस्तों पारा मेडिकल का भी जो है इसमें अटैच किया गया है, और जो स्टूडेंट्स की जो है मतलब कि नर्सिंग डिपार्टमेंट से जो है पारा मेडिकल का करना चाहेंगे फ्रेंड्स तो वो भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले फ्रेंड्स, और सबसे पहले आप जान लीजिए इनकी कुछ ओवरव्यू के बारे में, उसके बाद हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स, और वहाँ से हम जो है क्लियर कट जो है ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक स्टूडेंट है फ्रेंड्स तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोना 24 एमए को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इस पर जो है पॉलिटेक्निक में जो है इंजीनियरिंग हो गया, और जो है आंसू पब्लिक जो है 4 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हो गया, प्रोसेस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो गया, पारा मेडिकल हो गया फ्रेंड्स जो कि इंटर स्तर पर जो है, और पैरा मेडिकल जो है जो कि माध्यमिक स्तर मैट्रिक स्तर पे फ्रेंड्स, इन सारी जो है वैकेंसी इसमें जो है इन सारी पदों पे जो है फॉर्म अप्लाई होती है फ्रेंड्स, जो कि डिप्लोमा कोर्स के तरह होता है फ्रेंड्स, और जो इसमें काफ़ी एक शानदार मौका है फ्रेंड्स जो स्टूडेंट की जो है डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पारा मेडिकल करना चाहते हैं फ्रेंड्स, पारा मेडिकल डेंटिस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी एक शानदार मौका है फ्रेंड्स, और मेल और फीमेल दोनों पर्सन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो है ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसमें जो है अगर एडमिशन की बात करें फ्रेंड्स तो बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2024 है फ्रेंड्स, और इसमें जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जो किया जाता है फ्रेंड्स वो जो है बिहार कंबाइंड जो है इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो है वैकेंसी होती है, मतलब एग्ज़ाम होती है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है इसमें कोर्स जो दिया हुआ है फ्रेंड्स जो है कोर्स जो ऑफर्ड किया हुआ है उसमें जो है पीई है और जो है पीएमएम है और पीएम है फ्रेंड्स। इसमें जो है अलग अलग 3 कैटेगरी का जो है इसमें रखा गया है फ्रेंड्स, जो कि मैट्रिक लेवल पर है, इंटर लेवल पर है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मौका है। और बताना चाहूँगा कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने की जो डेट है 12 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, और लास्ट डेट आप जो है 11 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आप जो है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, काफ़ी एक शानदार मौका है फ्रेंड्स। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं खुद से भी। और आगे हम आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो है काफ़ी एक शानदार मौका है, और इसमें जो है एग्ज़ाम की जो डेट रखा गया फ्रेंड्स वो 22 जून 2024 है, मतलब 22/6/2024 रखा गया फ्रेंड्स पीई का, जो कि पॉलिटेक्निक का है फ्रेंड्स। उसके बाद पीएम मतलब पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटिस्ट का जो है 23/6/2024 को जो है रखा गया है, मतलब अलग अलग डेट में दो एग्ज़ाम भी इसमें जो है रखा गया है, जो कि पीई का जो है 22/6/2024 है फ्रेंड्स, और पीएम और पीएमएम का जो है 23/6/2024, मतलब एक दिन आगे करके जो एग्ज़ाम लिया जाएगा फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी शानदार मौका है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो बताना चाहूँगा कि जो है अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है, जैसा कि बताना चाहूँगा आपको जो है कि पॉलिटेक्निक और पीएम और पीएमएम के लिए दोस्तों जो कि अदर कोर्स जो है इसके लिए 750 रुपये रखा गया है, और जनरल और जो है अदर फीस के लिए फ्रेंड्स, और वही अगर बात करें SC ST PWD के लिए भी दोस्तों 480 रुपये जो है आवेदन शुल्क लगने वाले हैं। उसमें सेकंड जो कोर्स रखा गया फ्रेंड्स इसमें जो पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल्स मतलब तीनों कैटेगरी का बता रहा है फ्रेंड, उसमें भी 850 रखा गया है जो जनरल और जनरल कैंडिडेट के लिए, और उसमें जो है SC ST और PWD के जो है 530 रुपये रखा गया है। वही अगर बात करें PE और जो है PM और PMM का जो है 950 रुपये रखा गया है, जो कि उसमें SC ST और PWD के लिए 630 रुपये इसमें लग रहे फ्रेंड्स। वही अगर एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स तो बताना चाहूँगा कि इसमें अलग अलग जो है रखा गया है, जो कि न्यूनतम जो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स और एज लिमिट के दोनों को हम बताना चाहूँगा आपको जो है न्यूनतम जो है 35% अंक के साथ आपको जो है कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, और साथ में जो है आपकी जो है ऊपरी इसमें आयु का कोई गणना नहीं किया गया, आपकी जो भी एज है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 14 हो या 17 हो या 18 हो, जो भी है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर पारा मेडिकल डेंटल का जो है बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है मैट्रिक पास की जो है व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ऊपरी आयु इसमें कुछ नहीं, मिनिमम जो रखा गया 15 ईयर्स आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें जो है पारा मेडिकल का जो इसमें जो रखा गया है मैट्रिक पास होनी चाहिए, और जो है आप जो 17 वर्ष जो है मिनिमम आपकी जो है एज होनी चाहिए। इसमें काफ़ी एक शानदार मौका फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स की इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं पारा मेडिकल डेंटिस्ट में जो है पारा मेडिकल में, और जो है
पॉलिटेक्निक में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ये काफ़ी एक शानदार मौका है फ्रेंड्स। आगे के इनकी जो है और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले फ्रेंड्स वीडियो में, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो है बिहार से रिलेटेड जो भी वैकेंसी के अपडेट निकलती है फ्रेंड्स, उनका जो है सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।